अस्सलाम वालेकुम। आज YouTube की तरफ से दो बड़ी ही कमाल की अमेजिंग अपडेट आई हैं। अभी अभी मैंने सर तैमूर की वीडियो देखी, मैंने सोचा क्यों ना वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अपडेट बड़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। और यकीन करें कि इन दो अपडेट्स की वजह से आप लोगों का चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक से बचेगा, आपके चैनल पर जो क्लेम्स वगैरह आते हैं, कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, उनसे बच सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों की अर्निंग, आप लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। मज़े की अपडेट हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। फ्रेंड्स, जो सबसे पहली अपडेट आई है वो है यूट्यूब सब्सक्राइबर के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब टीम की कोशिश होती है कि वो चैनल की जो ऑनर्स होते हैं उनके लिए सहूलियात पैदा करें, सहूलियात उनको फ्राहम करें, और वो डे बाई डे कोई ना कोई ऐसी अपडेट लेके आते हैं जिससे यूज़र को और सब्सक्राइबर को और उस चैनल के ऑनर को आसानियां मिले। तो इसी तरह YouTube ने एक अपडेट दी थी जिसमें उसने बताया था कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर किस दिन किस टाइम एक्टिव होते हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी हम सब क्रिएटर्स को, कि हमें पता चलता था कि इस टाइम हमारे क्रिएटर्स, हमारे सब्सक्राइबर ऑनलाइन होते हैं तो हम उस टाइम वीडियो पब्लिश करते थे। तो YouTube ने इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया और YouTube ने इसके अंदर एक और अपडेट डाल दी है कि अब हम देख सकेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर किस टाइम किस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब पहले हम ये देख सकते थे कि हमारे सब्सक्राइबर किस टाइम ऑनलाइन होते हैं, अब हम ये भी देख सकेंगे कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और वो लोगों की, ज़रूरी नहीं कि हमारी, लोगों की कौन सी टॉप 10 कौन सी वीडियोस देख चुके हैं, मतलब कौन सी लेटेस्ट 10 से 15 वीडियो देख चुके हैं। अब इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी हमें क्रिएटर्स को, वो इस तरह के उनको पता होगा कि उनके यूज़र का, उनके व्यूवर का, उनके सब्सक्राइबर का किस किस्म के कंटेंट में इंटरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है वो उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। और इससे जाहिर सी बात है जब आप अपने सब्सक्राइबर के कंटेंट से या उनके जो सर्चेज हैं या जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट अपलोड करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके चैनल ग्रो होगा, आपके व्यू बढ़ेंगे और आपके व्यूअर जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। सो फर्स्ट अपडेट ये थी। उसके बाद दूसरी अपडेट की बात करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी अपडेट फ्रेंड्स ये है कि पहले आप लोग अपनी वीडियो अपलोड करते थे, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ पुट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर गए, वहाँ पर आप मोनेटाइजेशन वगैरह सेट की, उसके बाद फिर आपको वो कुछ रूल्स वगैरह बताए जाते थे, उनको सेट करने के बाद फिर एंड स्क्रीन और कार्ड वगैरह लगाने के बाद फिर पब्लिश कर दिया जाता था। लेकिन अब एंड स्क्रीन के बाद आप लोगों को एक चेकिंग वाला टैब ऐड कर दिया जाएगा। उसका क्या फ़ायदा फ्रेंड्स? उसका फ़ायदा ये है कि आप जब वीडियो पब्लिश करने लगोगे उससे पहले चेकिंग में 3 से 4 मिनट आपकी यूट्यूब टीम लेगी। मतलब वो आपकी वीडियो को चेक करेगी, उसमें वो चेक करेगी कि किसी जगह पर कोई भी कोई ऐसा वर्ड जो यूज़ किया गया है जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो ना करता हो, कोई ऐसा ऑडियो, कोई वीडियो को क्लिप यूज़ किया गया जो कॉपीराइट हो, तो वो वहीं पर उसको फिक्स करवा देगी। मतलब पहले ये होता था कि आपने वीडियो अपलोड की, चंद दिन के बाद आपको उस वीडियो के अंदर कोई पॉलिसी वैल्यूएशन देखने को मिली, कोई स्ट्राइक मिल गई, कम्युनिटी गाइडलाइन, कॉपीराइट क्लेम आ गया, तो अब वो आप लोग वहीं से क्लियर करवा के आगे पब्लिश होगी। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा न्यू यूज़र के लिए कि उनके चैनल पर जो बार बार स्ट्राइकें आती थी, क्लेम्स आते थे, अब वो जब वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तभी वो इस चीज़ को क्लियर करके आगे जाएंगे, तो आने वाले टाइम में उनको ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो ये दो अपडेट थी जो कि मैं समझता हूँ यूट्यूब टीम की तरफ से आई हैं और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं ये हम सब क्रिएटर्स के लिए। आप लोगों ने नीचे लाजमी कमेंट करके बताना है कि क्या आप लोगों को ये दो अपडेट ठीक लगी हैं और क्या YouTube को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।